मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि 2023 अप्रैल से लगा करके 2024 अप्रैल तक ऐसी वो कौन सी पांच महाभाग्यशाली राशियां हैं जिनके संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। यदि आप भी इन राशियों में से एक हैं तो इन्हें यकीन मानिए, आपके ऊपर ग्रहों की कृपा होने वाली है, आपके घर में निश्चित ही किलकारी गूंजेगी। तो जो सबसे पहली भाग्यशाली राशि है जिनके संतान प्राप्ति के योग बने हैं वह राशि रहेगी मेष। मेष राशि में गुरुदेव लग्न में गोचर करेंगे और ये अपनी दृष्टि डालेंगे सीधे पंचम भाव पे, मित्र की दृष्टि रहेगी। तो यदि आपकी चंद्र राशि मेष है तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, आपके घर में किलकारी गूंजने का समय आ चुका है। 2023 में निश्चित ही संतान प्राप्ति आपको हो सकती है, ऐसे प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी जो महाभाग्यशाली राशि है जिनके कुंडली में संतान प्राप्ति के योग दिखाई पड़ रहे हैं वह राशि है मिथुन। यदि आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो गुरुदेव बृहस्पति ये सीधे आपके लाभ भाव पे गोचर करेंगे और दृष्टि डालेंगे सप्तम दृष्टि संतान भाव पे, यानी पंचम भाव पे। तो आपके लिए भी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। हालांकि यहाँ पे इनकी शत्रु दृष्टि अवश्य रहेगी, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति संतान के प्रबल कारक हैं। दूसरी चीज, ये जहाँ पर भी दृष्टि डालते हैं उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो यदि आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हैं, आपको भी संतान प्राप्ति हो जाएगी। तीसरी जो महाभाग्यशाली राशि है जिनको संतान प्राप्ति हो सकती है वह राशि है सिंह। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है तो गुरु महाराज आपके नवम भाव में विचरण करेंगे और जब ये नवे भाव में जाएंगे तो सीधे दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे, तो आपको भी संतान प्राप्ति हो सकती है, ऐसे प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपके घर में भी किलकारी गूंज सकती है यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है तो। इसके बाद जो अगली महाभाग्यशाली राशि है जिनको संतान की प्राप्ति हो सकती है वह राशि है तुला। यदि आपकी चंद्र राशि तुला है तो आपके संतान भाव के स्वामी बन जाते हैं शनि महाराज। संतान देने का जो काम है आपकी कुंडली में ये शनि महाराज का है, और शनि महाराज अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में विराजमान है। ये अति विशिष्ट कारक भी होते हैं आपकी कुंडली में। ऐसे में 2023-2024 और आप कह सकते हो 2025 तक ये संतान योग बना करके बैठे हैं, तो आपको शुरुआत में संतान प्राप्ति तो होना मुश्किल है, लेकिन हाँ वर्ष 2023 के मध्य में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, तब प्रबल योग बनेंगे और आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक रहेंगे। अंतिम जो महाभाग्यशाली राशि है जिनके कुंडली में संतान प्राप्ति के योग दिखाई पड़ रहे हैं वह राशि है धनु। यदि आपकी चंद्र राशि धनु है तो गुरु महाराज जो है इनका गोचर आपके पंचम भाव पे, यानी कि संतान भाव पे ही इनका गोचर रहेगा। आपके लिए भी प्रबल संतान प्राप्ति के योग बनाने जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो आप भी खुश हो जाइए। यानी कि पांच राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु। यदि आपकी कोई भी इनमें से एक राशि है तो आपके घर में संतान प्राप्ति होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।